दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टाइल के बॉक्स में कितने पीस होते हैं और उनका स्क्वायर फिट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, फ्लोरिंग का हम ले लेंगे, जो नीचे हम टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग का, तो ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइज़ सबसे पहले हम ले लेंगे 12 बाई 12 की, जिसे हम 1 बाई 1 की भी टाइल्स बोलते हैं। 1 फिट इंटू 1 फिट, एक कन्नी एक एक ही फिट होगा दोस्तों। तो एक बॉक्स में ये 10 नग आता है, 12 इंटू 12, एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं, तो जिसका 10 स्क्वायर फिट एक बॉक्स में माल निकलता है दोस्तों। इसी तरीके से 16 इंटू 16 का साइज़ ले लेंगे हम, ये एक बॉक्स में 5 नग आते हैं, तो एक बॉक्स में 8.88 स्क्वायर फिट माल होता है, जो लगभग 9 फिट के करीब होता है। तो दोस्तों, हम इसका जो है स्क्वायर फिट अब कैसे निकालेंगे, 16 बाई 16 का एक नग का कितना स्क्वायर फिट होगा, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ करके। तो सबसे पहले हम 16 इंटू 16 करेंगे, अभी आ गया टोटल 256, इसमें भाग दे देंगे 144 से। तो दोस्तों, ये हमारा एक फिट एक पीस का माप आ गया। अब एक बॉक्स में 5 नग है, तो × 5 कर देंगे, ये हमारा 8.88 इस तरीके से 5 नग का स्क्वायर फिट आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें निकालना है, और उसके बाद इस तरीके से 24 × 24, यानी कि 2 बाई 2 की टाइल, जो एक बॉक्स में 4 नग होता है, तो 2 बाई 2, 2 दूनी 4, एक टाइल 4 स्क्वायर फिट, तो 4 चौके 16 स्क्वायर फिट, तो इसमें 16 स्क्वायर फिट माल आता है। और दोस्तों, इसके बाद है जो 32 बाई 32 की टाइल आती है, साइज़ में 32 बाई 32 की, तो वो एक बॉक्स में 3 नग आती है, कभी कभी दोस्तों 2 नग भी आती है, उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे 3 नग ले लिया है, एक बॉक्स में 3 नग, तो ये 21.33 स्क्वायर फिट माप आता है एक एक बॉक्स में। तो जैसे हमने इसका निकाला था स्क्वायर फिट, उस तरीके से हमें इसका भी स्क्वायर फिट निकाल लेना है। 144 32 × 32 करके उसमें जो टोटल आएगा, उसमें 144 से भाग दे देना है, तो एक टाइल का स्क्वायर फिट निकल आएगा। तो ये 3 टाइल से गुणा कर देना उसमें। तो आपको ये भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो हमने इधर ले लिया 32 × 32 भाग ले 144, तो ये दोस्तों एक टाइल का माप आ गया 7.11। अब उसमें 3 नग है, तो गुण ले हमें 3 कर देना है, तो ये स्क्वायर फिट आ गया 21.33। एक बॉक्स में 21.33 स्क्वायर फिट माल आता है। इसी तरीके से 48 24 का हम ले लेंगे, 4 बाई 2 का, जो एक बॉक्स में 2 नग आता है और उसमें भी 16 स्क्वायर फिट माल आता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम इसमें बहुत अभी भी बहुत से डिज़ाइन आ चुकी हैं, तो हम इतना ही लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम इसके बाद ले लेंगे वॉल टाइल्स, वॉल टाइल। तो सबसे पहले हम 8 12 की साइज़ ले लेंगे, 8 12। साइज ले लेंगे हम 8 12 वॉल टाइल्स। तो इसमें दोस्तों एक बॉक्स में 12 नग, 8 12 एक बॉक्स में 12 नग होते हैं। अब हमें इसका स्क्वायर फिट निकालना है, तो 8 × 12 भागे 144, यहाँ पे एक टाइल का माप आएगा 0.666। अब हमें
इसे गुण ले, 12 नक कर देना है, 12। तो ये दोस्तों 8 स्क्वायर फीट माप आ जाएगा, 8 स्क्वायर फीट। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अब इसके बाद ले लेंगे 10 गुणले 15 की साइज, 10 15 की ये एक बॉक्स में 8 लगाता है। अब हमें इसका भी निकाल लेंगे दोस्तों, 10 इंटू 15 भागले 144 गुणले 8 नग, 8.33। तो इसमें दोस्तों 8.33 स्क्वायर फिट माल आता है। इसी तरीके से हम 18 बाई 12 के ले लेंगे साइज, ये एक बॉक्स में 6 नग आता है। तो ये 1.5 बाई 1 का टाइल दोस्तों, तो एक टाइल 1.5 फिट की रहती है, तो 6 1.5 9, ये एक बॉक्स में 9 स्क्वायर फिट माल आता है। और उसके बाद दोस्तों हम लेंगे 24 इंटू 12, 2 बाई 1 की टाइल, ये एक बॉक्स में 5 नग आती हैं। और एक टाइल 2 फिट की रहती है, 2 1 9 2, तो 5 2 10 फिट स्क्वायर फिट माल आता है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से माप निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन जो भी हमारे दोस्त नया घर बना रहे हैं या उनको काम करना है तो उनको कन्फ्यूज़न होता है, तो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।